नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नवी मुंबई आयुक्तालय अंतर्गत रबाले पुलिस के हद से एक ऐसा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। दरअसल पुलिस ने एक घर फोड़ी का खुलासा किया है जिसमें 35 लाख की चोरी की गई, और ये चोरी करने वाला कोई और नहीं, घर मालिक का चचेरा भाई निकला। घटना कुछ ऐसी है कि पुलिस ने आरोपी करण लून सिंह, जिसकी उम्र 26 साल बताई गई है, उसको गिरफ्तार किया हाल ही में, जिसके पास से पुलिस ने 37 तोले सोने का आभूषण, 1.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 7,50,000 रुपए नकद, ऐसा कुल लगभग 34,80,000 का मुद्देमाल बरामद किया। ये आरोपी, ये घटना है 19 अगस्त की। 19 अगस्त को रणजीत सिंह राजपुरोहित की पत्नी घर में 6:30 बजे के आसपास पूजा के लिए घर से बाहर गई थी, तब अनजान शख्स ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर 35 लाख की चोरी अंजाम दी। घर मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, तब पुलिस ने अनजान व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। धीरे धीरे पुलिस की जांच में सामने आया कि इस मामले में जो आरोपी निकला, वो आरोपी करण लून सिंह, जो कि रणजीत राजपुरोहित का अपना चचेरा भाई निकला। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि ये आरोपी करण लून सिंह जो है, विदेशी जानवर, विदेशी नस्ल के कुत्ते बिल्लियां, इस तरह के जानवर बेचने का धंधा करता था। उसमें इसको नुकसान हुआ, तब इसने ये चोरी की, एक प्लानिंग बनाई, और इसे मालूम था कि अपने ही भाई के घर में उस तरह से इतना पैसा पड़ा है, तो इसने खाली समय में खुले बंद घर में चोरी करके अपने ही भाई को लूट लिया। पुलिस ने इस आरोपी से 35 लाख के करीब का मुद्देमाल बरामद किया, और वहीं जो सामान इसने चोरी के लिए अंजाम दिया था, वो सामान भी बरामद किया। इस मामले में रबाले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कुछ कहा, वो सीने वीडियो में आगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे, गड़बड़ी की घटना घटी थी, किस तरह की गड़बड़ी थी, कितने का मुद्देमाल चोरी हुआ था, और आरोपी को कैसे, क्या घटना क्रम, उसके बारे में आप संक्षिप्त में। देखिये, 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन त्योहार था। रबाले पुलिस स्टेशन में जो केस दर्ज किया गया है, उसमें का फिरियादी अपने फैमिली के साथ मंदिर में दर्शन लेने के लिए गए थे। दर्शन लेने के बाद घर आए तो उनको अपना घर का दरवाजा, बेडरूम का ताला टूटा हुआ मिला। उन्होंने अंदर जाके सब जांच की, उसमें लगभग 35 to 37 गोल्ड, यानी 35 से 37 तोला गोल्ड, 1.5 किलो चांदी और 15 लाख के तकरीबन कैश नहीं है, उनको जांच में पता चला। उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट किया, तो उस हिसाब से पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 432-24 सेक्शन 303 कोर्ट कलम 5 कलम 331 कोर्ट कलम 34 के हिसाब से केस रजिस्टर किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्शन टीम ने वहां पे सीसीटीवी फुटेज देखा। सीसीटीवी फुटेज में एक बंदा बाइक पे जा रहा, इतना ही क्लू था। उसका पूरा रोड मैपिंग करके सीसीटीवी का एनालिसिस किया गया। कंप्लेनेंट को साथ में लेके जब उसका वो स्कूटी पे जाने वाला कौन है डिस्क्लोज किया, तो वो उसका कजिन ही था। कजिन ये सेकंड फ्लोर पे रहता है, कंप्लेनेंट फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। तो जब कजिन को हमने 25 तारीख को उसको उसके घर से ही कस्टडी में लिया, लेके उसके पास इंट्रोगेशन करने के बाद ये पता चला कि ये गुनाह उसने ही किया है।
फिर उसके बाद उसके पास से टोटल जितना सोना था यानी 37 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और लगभग 7.5 लाख के पास कैश बरामद की है। उसको अभी 5 दिन का कस्टडी मिला हुआ है, कस्टडी में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कल उसका कस्टडी खत्म होने वाला है तो कस्टडी बनाने के लिए हम कल कोर्ट में उसको पेश कर रहे हैं। सदर का पूरा जो ऑपरेशन था ये नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर श्रीयुक्त बारंबे साहब, जॉइंट कमिश्नर एनपोरे साहब, एडिशनल कमिश्नर साकोरे साहब, जोन के DCP श्री दहाने सर, वाशी डिवीजन के ACP गावड़े सर, इनके नेतृत्व में किया गया है। और मैं खास करके मेरी डिटेक्शन टीम API खरात और उनकी टीम को मैं उनका यानी कौतुक करता हूं कि उन्होंने खाली ये 19 तारीख को घटना वारदात हुई थी और 25 तारीख को पूरा 100% डिटेक्ट किया है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक भाई ने अपने घर भाई के घर में गड़बड़ी करके इतनी बड़ी रकम हड़पने की कोशिश? एक्चुअल में जो अक्यूज है वो यानी फॉरेनर डॉग और कैट को इंपोर्ट करने का बिजनेस करता है। रिसेंट में ही उन्होंने चाइना से एक डॉग इंपोर्ट किया था जो 12 लाख का आसपास था, लेकिन वो डॉग किसी उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से वो लॉस में चले गए थे। लॉस को भर के निकालने के लिए उनको घर में ही भाई के घर में पैसा सोना जो खानदानी है वो पड़ा हुआ है मालूम था। जब ये सब बाहर चले गए दर्शन के लिए तो उस टाइम पे उसने वो घर में से जाके हाउस ब्रेकिंग करके चुरा लिया था। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।